जय हिंद आज हम फिजिकल वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वर्ल्ड मैप में हम आज देखने वाले हैं कि थर्टी परसेंट जो हमारा ग्लोब है उसमें लैंड है और बाकी सेवेंटी परसेंट जो बचा कुछ है उसमें सागर है महासागर सागर और वैसे झील ये सब सेवेंटी परसेंट में आ जाते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें लड़ने लर्न करने वाले हैं सबसे हाईएस्ट प्लेसेस और द डीपेस्ट ट्रेंचेस के बारे में और डीपेस्ट प्लेस के बारे में तो आइए शुरू करते हैं इधर हम देखेंगे पहले सागरों के बारे में पढ़ते हैं आपने सुना होगा कि सागर सात होते हैं पर ऐसा नहीं होता सागर सात नहीं होते बल्कि पांच होते हैं वो लड़की गाना गा रही थी उस फिल्म में हमारी दादी उन्होंने कहा था सात समुद्र पार सात समुंदर पार उन्होंने उल्टा कर दिया सात महाद्वीप है ना कि समुंदर पांच समुद्र है अटलांटिक महासागर हिंद महासागर उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी महासागर इनको ऑर्डर में देखते हैं साइज क्षेत्रफल में चलो सबसे बड़ा महासागर बच्चा भी जानता है प्रशांत महासागर पैसिफिक इसके बाद तो ये दो, दो हाफ देखो पृथ्वी ऐसे है ये ये महासागर ऐसे है मैंने इसको खोल दिया दो भाग में बट गया तो इसमें देखते हैं एक ये दोनों एक है ये दोनों एक है ये अकेला एक अल्ला एक अकेला दो दो महासागर दो पार्ट में बटे पर उनको एक माना जाता है तो दो हो गए ये तीन अपना प्लेस घेरते हैं तो तीन हो गए पांच चलिए गिनते हैं एक दो तीन पाँच और साइज में भी देख लेते हैं सबसे बड़ा ये फिर तो उसके बाद ये फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये उसके बाद ये अगर हम नाम से देखेंगे तो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर हिंद महासागर दक्षिणी महासागर और उत्तर ध्रुव महासागर ये महासागर है अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो देखेंगे नॉर्थर्न ओशियन ऐसे है अब इसमें डीपेस्ट प्लेस ओशियंस में आता है वो मरियाणा ट्रेंच है उसका डीपेस्ट प्लेस चैलेंजर डीप है वो बहुत गहरा है उसमें लगभग ग्यारह किलोमीटर तो उसमें ही आ जाता है, आठ है, है, किलोमीटर का माउंट वो उसमें फिट हो जाएगा, बहुत गहरा हम सोच सकते है तो ग्यारह किलोमीटर मरियाना ट्रेंच में आ जाता है और हम सबसे बिग, सबसे ऊंचे पर्वत पर देखिए इधर इधर मिलता है कहीं इधर सागर माथा नेपाल के लोग इसको सागर माथा कहते हैं तो इस सागर माथा को हम इंडियंस माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं और और अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तब भी इसको माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं तो हमें नॉलेज हो गया अब हम इन पर देखते हैं कौन्टिनेंट्स में कॉन्टिनेंट्स में देखेगा पहले स्टार्ट करते सबसे सब बिगेस्ट वाले में एशिया एशिया में गोभी है और इसमें पाया जाता है इसमें एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको हम इधर ही देखते हैं इधर पाया जाता है पता नहीं कहा इधर पाया जाता है घास का मैदान उस घास का मैदान का नाम स्टेपीज है स्टेपीज और अगर हम इधर देखेंगे इधर ऑस्ट्रेलिया का डाउन अफ्रीका का वेल्ड इधर का प्रेरीज, पंपाज, पंप, पंपाज कुछ भी हो इसको पंपा ये डाउन है ये इधर ये इदर, सब पाया जाता है इसमें भरपूर इधर एंडीज श्रेणी है इधर रोकी पर्वत श्रेणी है ये शिवालिक श्रेणी इधर बहुत सारी श्रेणी नाम नहीं बता सकते पूरी वीडियो लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो जाएगी इनमें तो चलो दूसरी पार्ट पर चलते हैं इनका साइज़ चलो सबसे बड़े से डिसेंडिंग ऑर्डर में द्वारा से ले जाते हैं एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया हिंदी में देखेगा एशिया अफ्रीका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका फिर उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हमने दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं तो हमें पता चला कि अब टू अब टू इतने सेवन हमारे महाद्वीप है और फाइव महासागर है देखिएगा पांच महासागर और सात महाद्वीप याद करने में ज्यादा कुछ नहीं है बस बस हमें इसको चार बार दोहराना पड़ता है आंख बंद करके ऐसे दोहराना पड़ता है एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंटार्क्टिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके याद करेंगे चार बार याद करने से पूरा याद हो जाता है फिर महासागर याद करने में क्या छुट्टल पड़ा है बस दिमाग में मैप ठीक से फिट होना चाहिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर हिंद महासागर फिर इसका बाद दक्षिण महासागर और उत्तर महासागर उत्तरी ध्रुव कहते हैं उसको पूरा इधर से लेकर इधर तक पूरा स्ट्रेच हो रखा है ये पूरा इधर और इधर और अगर हम देखेंगे ये पूरा शेप लिए धरा है फिर उसके बाद W इधर तक इसमें एक सौ पचानवे देश फिट हो जाते हैं वो पॉलिटिकल मैप में कवर करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हम चलो देखते हैं इसका पैमाना एक रेशियो 30 लाख एक मीटर में 30 लाख किलोमीटर ऐसे आज के लिए इतना ही जय हिंद